हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में हुई अनेकों रिसर्च और स्टडीज़ ने ये बात तो साबित कर दी है कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से ग्रह हैं जहां जीवन के होने की पूरी संभावना है, क्योंकि वहां का वातावरण जीवन के अनुसरण के लिए उपयुक्त है। लेकिन क्या उन ग्रह पर कोई रहता है? वह लोग कैसे दिखते हैं? उनका रहन सहन कैसा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक भी गुप्त रखा गया है। बहुत से लोगों का मानना है कि परग्रही यानी एलियन से जुड़ी बहुत सी जानकारी दुनिया के अलग अलग देशों की सरकार के पास मौजूद है, लेकिन आम लोगों तक एलियन से जुड़े रहस्यों को पहुंचाने नहीं दिया जाता। बहुत से लोगों ने समय समय पर यह दावा किया है कि उन्होंने एलियंस या एलियंस के स्पेसशिप को देखा है, और कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि एलियंस ने उनका अपहरण किया था। आज तक एलियंस के देखे जाने के हजारों मामले सामने आए हैं, और आज हम ऐसी ही कुछ घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे जिनमें लोगों ने एलियन से मुलाकात का दावा किया है। तो आइए जानते हैं इन लोगों की आप बीती के बारे में। बैटी एंड बर्नी अबडक्शन। सन 1961 में सामने आई बैटी एंड बर्नी के अपहरण की इस घटना से पहले तक सिर्फ एलियन स्पेसशिप के देखे जाने की घटनाएं सामने आती थी, लेकिन बैटी और बर्नी के साथ हुई इस घटना ने एलियन से जुड़े मामलों और इस विषय को और भी ज़्यादा दिलचस्प और रहस्यमय बना दिया। एक रात ये दोनों दंपत्ति कनाडा से छुट्टियां मनाकर अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि आसमान में एक अजीब सी रोशनी उनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। गौर से देखने पर उन्होंने पाया कि यह लाल और नीले रंग की रोशनी बड़ी तेजी से उनके पास आ रही है। उन्होंने इस तरह की कोई भी चीज़ इससे पहले कभी नहीं देखी थी। यह देखकर वो दोनों बहुत डर गए और उन्होंने अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन्होंने इस अजीब रंगों वाली चीज़ को देखा था, तब रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे और उस जगह से उनका घर लगभग 20 मिनट की दूरी पर था। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब ये दोनों दंपत्ति अपने घर पहुंचे, तब रात के 1:30 बज रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, भला ऐसा कैसे हो सकता था कि 20 मिनट के सफ़र को तय करने में उन्हें 2 घंटे का समय लग गया और उन्हें इन 2 घंटों के बीच जाने का एहसास तक नहीं हुआ। अगली सुबह बैटी को ऐसा आभास हुआ कि पिछली रात उन्हें एलियंस ने अगवा किया था और कुछ देर उनके शरीर की जांच करने के बाद उन्हें छोड़ दिया। पहले तो उनको लगा कि शायद उन्होंने कोई सपना देखा है, लेकिन जब उनके पति ने भी बिल्कुल वैसा ही अनुभव उन्हें बताया तो उन दोनों को यकीन हुआ कि वह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। उन्होंने इस घटना के बारे में एक अखबार के पत्रकार को बताया। इस इंटरव्यू के प्रकाशित होने के बाद पहले तो बहुत से लोगों को लगा कि वो दोनों दंपत्ति झूठ बोल रहे हैं। डॉक्टर्स के द्वारा जब इन दोनों को हिप्नोटाइज किया गया तो बेहद चौंका देने वाली बातें सामने आई। सम्मोहन के दौरान उन्होंने उस स्पेसशिप के आकार, रूपरेखा और उन एलियंस की शक्ल के बारे में विस्तार से बताया। सबसे ज़्यादा अचरज की बात थी बैटी के द्वारा बताया गया स्टार मैप। बैटी ने एक स्टार मैप का नक्शा बनाते हुए बताया कि उन्होंने ये स्टार मैप उस स्पेसशिप के अंदर से देखा था। ये स्टार मैप दक्षिण दिशा में पाए जाने वाले जेटा रेटिकुली से हूबहू मेल खाता था। एलियंस अबडक्शन की यह घटना द इंटरप्टेड जर्नी नाम की एक पुस्तक में छपी गई। इस घटना के बारे में जानकर लोगों के होश उड़ गए। सुजैन ब्राउन। इस महिला की पहचान को गुप्त रखने के उद्देश्य से उनके नाम को बदलकर सुजैन ब्राउन रखा गया है। इंग्लैंड में रहने वाली इस बिजनेस वूमेन का यह दावा है कि 1965 से 1989 के बीच में उनका कई बार एलियन से सामना हुआ था, और यही नहीं, सुजैन के मुताबिक उनके उस एलियन के साथ शारीरिक संबंध भी थे। आप लोगों को ये बात हास्यास्पद और अजीब लग सकती है, लेकिन अगर सुजैन की माने तो यह बिल्कुल सच है। और वह उस एलियन को प्यार से मायरिको कहती थी। वह लगभग 5 फुट का भूरे बालों वाला एक एलियन था, जिससे सुजैन की पहली मुलाकात 12 साल की आयु में हुई थी। इस महिला ने यह भी दावा किया था कि वह मायरिको के साथ कई बार स्पेसशिप पर गई थी, जहां उन्होंने एलियंस के अति आधुनिक यंत्र और ग्रे कलर के एलियंस के बच्चों को भी देखा था। अपने पति से तलाक के बाद सुजैन की इस अजीबोगरीब प्रेम कहानी ने एक अनोखा मोड़ दिया और उन्होंने मायरिको नाम के
इस एलियन के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू किया। उनका कहना था कि मायरी को अपने माइंड कंट्रोल पावर्स की मदद से अपने साथ संभोग करने के लिए उन्हें राजी कर लेता था। करीब एक महीने बाद सुजैन को पता लगा कि वो प्रेग्नेंट हो गई हैं, और इसके कुछ महीनों बाद एक रात सुजैन के पेट में असहनीय दर्द शुरू हो गया और उस रात मायरी को भी वहाँ मौजूद था। उसने सुजैन से कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी से उसके यहाँ के लोग इस बच्चे को उनके गर्भ से निकाल कर ले जाएंगे। अगली सुबह सुजैन ने देखा कि वह अपने बेड में खून से लथपथ पड़ी थी। उनकी हालत देखकर लग रहा था कि उनका मिसकैरेज हो गया है, और मायरो को भी वहाँ नहीं था। कुछ दिन बाद मायरो को एक बार फिर वापस आया और उन्हें स्पेसशिप पर ले गया। वहाँ उसने सुजैन को एक नवजात शिशु से मिलवाया। उस बच्चे को देखकर सुजैन समझ गई कि यह उन्हीं का बच्चा है। मायरको ने सुजैन को बताया कि उनकी प्रजाति इंसान और एलियंस के द्वारा पैदा किए गए शिशु पर शोध करना चाहती थी। इसी वजह से मायरको ने यह सब किया, और उसके बाद मायरको कभी वापस नहीं आया। हाइब्रिड महिला। हमारी अगली कहानी एक ऐसी महिला की है जो खुद को एक हाइब्रिड बताती है। हाइब्रिड एक ऐसी प्रजाति होती है जो आधे एलियन और आधे इंसान होते हैं। इस महिला का नाम लीजा है, और इन्होंने अर्थ मिस्ट्री न्यूज़ नाम के एक चैनल में इंटरव्यू के दौरान ये सनसनीखेज खुलासा किया। लीजा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि 1975 में जब उनकी माँ 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब एक रात वह अपने कमरे में आराम करने के लिए लेटी तो अचानक उनके बॉडी का निचला हिस्सा पैरालाइज हो गया, और तभी उनके कमरे की दीवार के अंदर में से दो ग्रे कलर की आकृतियाँ बाहर आई। लीजा की माँ चाहकर भी हिलडुल नहीं पा रही थी। जैसे जैसे वो दो आकृतियाँ करीब आई, उनकी माँ और ज़्यादा डर गई। ये आकृतियाँ किसी मानव जैसी थी, लेकिन इनका सर सामान्य इंसानों से काफ़ी बड़ा था और उनकी आँखें भी काफ़ी बड़ी थी। उनकी माँ ने पूछा कि वो लोग कौन हैं। उनमें से एक ने कहा कि यह महिला अभी तैयार नहीं है, और फिर दूसरे ने कहा नहीं, ये अब तैयार है। इस पूरी बातचीत में सबसे चौंका देने वाली बात यह थी कि लीजा की माँ और उनकी दो आकृतियों के बीच हुई ये सारी बातें सामान्य तरह से की जाने वाली बातें नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो उन लोगों के अंतरात्मा एक दूसरे से बात कर रही हो, क्योंकि उनमें से कोई भी मुंह से कुछ नहीं बोल रहा था। लीजा की माँ ने बेहद डरे हुए शब्दों में उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहा, और वो दोनों अनजान आकृतियाँ वहाँ से गायब हो गई। इस घटना के ठीक एक महीने बाद लीजा की माँ ने हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। उनका डॉक्टर लीजा के रूम से बाहर निकल ही रहा था, तभी नर्स ने डॉक्टर को आवाज़ लगाते हुए कहा कि इनके गर्भ में एक और बच्चा है। डॉक्टर ये बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि वह डॉक्टर कई महीनों से लीजा की माँ का प्रेगनेंसी केस हैंडल कर रहा था, और वो आश्वस्त था कि उनके गर्भ में केवल एक ही बच्चा था। तो फिर ये दूसरा बच्चा कहाँ से आया? ये दूसरा बच्चा लीजा ही थी। लीजा के पैदा होने के कई सालों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब लीजा अपनी टीनेज में थी, तब एक बार फिर से लीजा की माँ को बिल्कुल वैसा ही अनुभव हुआ जैसा लीजा के होने से पहले हुआ था। लेकिन इस बार लीजा की माँ से मिलने आए जीव बिल्कुल किसी इंसान जैसे थे। वो लीजा की माँ को किसी अनजान जगह पर ले गए। लीजा की माँ ने पूछा ये कौन सी जगह है, और वहाँ पर रखे छोटे छोटे मर्तबानों को देखकर पूछा कि ये सब क्या है। उस जीव ने कहा ये सब दवाएं हैं जो इंसानों को हर बीमारी से मुक्त कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। इस घटना के बाद से लीजा की माँ को लीजा के बिहेवियर में कुछ अजीब दिखने लगा। लीजा का खुद भी ये कहना था कि कभी कभी वो खुद को किसी लिजर्ड या किसी रेप्टाइल जैसा फील करती है। उसको ऐसा लगता है कि वह भी किसी लिजर्ड की तरह दीवार पर चल सकती है। शुरुआत में लीजा ये बात किसी को भी बताने से डरती थी, क्योंकि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उनकी इस तरह की अनुभूतियों का क्या कारण है। एक दिन लीजा के डॉक्टर, जो कि हाइब्रिड लोगों के विशेषज्ञ थे, उन्होंने अपनी एक और दोस्त सारा से मिलवाया। सारा ने लीजा को देखते ही पहचान लिया और कहा यह तो एक हाइब्रिड है। लीजा ने पूछा कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तो उस लड़की ने कहा कि मैं भी एक हाइब्रिड हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। सारा ने लीजा को विश्वास दिलाने के लिए
लीजा से पूछा, क्या तुम्हारा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है? तो लीजा का जवाब था, हाँ, सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी माँ और मेरा बेटा भी ओ नेगेटिव है। यह बात सुनकर वो डॉक्टर हैरान हो गए और उस डॉक्टर ने भी ये बात मानी कि ज़्यादातर लोग जिनका एलियन अपहरण करते हैं वो लोग ओ नेगेटिव ही होते हैं। इसका खास कारण ये भी है कि ओ नेगेटिव एक यूनिवर्सल डोनर ग्रुप होता है। इस घटना के बाद से ही लीजा और लीजा से जुड़े बाकी सभी लोगों को यह विश्वास हो गया कि लीजा एक हाइब्रिड है, क्योंकि लीजा को होने वाली वो सारी अनुभूतियाँ, लीजा के जन्म से पहले लीजा की माँ के साथ हुई वो घटनाएं और सारा की पहली नज़र में लीजा को पहचान लेना, ये सारी बातें महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकती। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एलियन से जुड़े इस रहस्यमय और अनजान सफ़र में आज बस इतना ही। हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।